गवर्नमेंट ऑफिस, और वहाँ हमारा थोड़ा काम था, इसका थोड़ा नाम लिखवाना था वहाँ, और तब से हमको 1 घंटा हो गया वहीं पे। इसको तो ये रही हमारी क्या बोलते हैं दुल्हन इतिहास, बाकी हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई हूँ पापा अच्छे होंगे, बड़े होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम रेडी सेडी होके आज हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत काम है और उसके बाद हमने जाना है सगाई में, क्योंकि मेरे एक दोस्त की सगाई है और वो भी ठीक ये सामने वाले गाँव में। तो अभी मेरे को और सलोनी को पहले गोपेश्वर जाना है और उसके बाद थोड़ा वहाँ काम है और फिर जाएंगे हम सगाई में। तो अभी ये देखो गोलू, और मौसम देखो, मौसम बहुत अच्छा ही हो रखा है क्योंकि कल रात से ना लगातार बारिश आ रही है और अभी थोड़ा धूप भी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी शाम का मौसम देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे रोड में, तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधे रोड में। तो उससे पहले मैं आपको अपना फाइनल लुक बता देती हूँ। ले गोलू, वैसे तो आगे चल रही है, तो मैंने अभी जीन्स पहनी है और टी शर्ट, तो हम ऐसे ही करके जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही बन के जा रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं अभी हीरोइन। तो आजकल खेतों में ना सभी जगह ऐसे हरा भरा हो रखा है, और इधर की साइड ना सट्टी बो रखा है, तो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है, और हल्की धूप में तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। और ये देखो यहाँ रास्ते भर में अब पानी भी निकलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना ऐसे ही रास्ते भर में पानी ही रहता है। और यहाँ नीचे वाले खेत में ना ये झंगोरा बो रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा हो रखा है और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। और इधर वाली सारी पे गोदा हो गया, तो हमें जाना है अभी नीचे रोड पर। तो अगर हमें कभी भी बाजार जाना होगा और हम मास्क ना पहने, हमेशा हमारा मास्क रहता ही है, मतलब कोरोना टाइम से ऐसे हो गया है कि हमने हमेशा मास्क ही लगाना है। बाकी आज के मतलब हमेशा ही लगाते हैं, जब भी बाजार जाना हो तो मास्क तो जरूरी है। बाकी गोलू ने भी अभी निकाल रखा है, तो धूप ना मेरे को तो लग रहा है कि परसों की तरह धूप होने वाली है। और सुबह तक तो खैर बारिश ही आ रही थी, हल्की फुल्की बारिश ही थी, लेकिन अभी थोड़ा लग रहा है कि खतरनाक वाली धूप लगने वाली है। तो अभी चलते हैं नीचे रोड पे और मिलते हैं आपको सीधे। और ये देखो बारिश है ना, जो ये नीचे के नीचे साइड का है ना, ये भी टूटने बैठ गया है, इतनी खतरनाक बारिश आ रही है आजकल। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे रोड पे। तो अभी सलोनी और मैं जा रखे थे अप्लाईमेंट ऑफिस, और वहाँ हमारा थोड़ा काम था, इसका थोड़ा नाम लिखवाना था वहाँ, और तब से हमको 1 घंटा हो गया वहीं पे। अभी हम जा रहे हैं मार्केट जाना है, सुबह जा रहे थे नीचे। तो अभी हम जा रहे थे कॉलेज की साइड, हमने एक फॉर्म के बारे में पूछना था भैया को, और वहां से हमने एक फॉर्म लेना था, लेकिन भैया की दुकान भी बंद हो रखी है। तो अभी हम चलेंगे सीधे घर की ओर, ठीक है गुल्लू? और देखो गोलू की हालत ऐसी हो रखी है, आज बहुत आफत आ गई हम पे ना गोलू। अभी मैं और सलोनी पहुंच चुके हैं गंगोलुआ पे, और यहाँ से हमको ऊपर जाना है जहाँ सगाई हो रही है। बाकी आज ना काफी ज्यादा आफत आई, क्योंकि गोलू हम पे कैसी आफत आई, कुछ काम ही नहीं हुआ। तो हमारा गांव ना रहा यहाँ ठीक यहाँ सामने, तो अभी हमको जाना है यहाँ से ऊपर के लिए। हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी दोस्त की सगाई है साधना के, और साधना औरों के यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अभी तक इनका फोटो शूट चल रहा था, और ये रही सगाई वाली, इधर तो मुड़े साध इसको। तो ये रही हमारी क्या बोलते हैं दुल्हन
तो इसकी सगाई थी आज। बाकी हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे, ये सारे के साथ इकट्ठा रहा था। अब अपने आप देखिए ना, और अभी मौसम भी थोड़ा खराब होने बैठ गया है, बारिश भी आने बैठ गई है। तो उसके बाद अब थोड़ा खाना खुना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं हम घर। गाइस ये बोल रहा है कि दास आंख मार रहा है कॉफी। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ ग्वाड़। तो यहाँ पे सब बैठ के खाना खुना खा रहे हैं और ऊपर से बारिश भी आने बैठ गई है। एक और बैग दे दे। अभी बिल्कुल बहुत तेज बारिश आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो देखते हैं कि बारिश अब तक रुकी है। और ये देखो सामने से ये सलानी और मैं जा रहे हैं, क्योंकि हम पे तो छाता है, बाकी वो दोनों ना ऐसे ही जा रहे हैं। देखो मठू मठू ऐसे ही जा रहे हैं। तो लगातार ना आगे मतलब एक घंटे से ऊपर हो गया है, तब से बारिश ही आ रही है। तो यहाँ से हमको जाना है अभी अपने गाँव में, देखो इतना दूर। तो फिलहाल अभी तो हम सगर पे पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कितने बजे तक सगर पे सॉरी अपने गांव पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव, और आधे रास्ते तक तो हम पैदल आए, लेकिन वहां से ना एक भैया मिल गए थे हमको, तो उन्होंने हमको यहां तक छोड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ना बारिश भी काफ़ी तेज आ रही थी, और अभी तो थोड़ा मतलब बारिश लगी रही, लेकिन थोड़ा बारीक बारिश है। और ये देखो पीछे गोलू का हाल भी कैसे हो रखा है। आज हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत दिनों बाद हम सबके सब मतलब क्लासमेट सबके सब एक ही दिन वैसे भी इसी टाइम पे मिलते हैं, और आज तो काफ़ी मज़ा भी आया हमको। और डांस तो क्या ही बोलना, इतना ख़तरनाक डांस किया ना, गोल गोल घूमने वाला डांस। बाकी अभी हमको जाना है वो मथी के मम्मा पार पार पढ़े क्या बाई के कह रहा। तो वो बॉडी बोल रही है हमको कि बाई किसको बोल रहे हैं,
तो अभी मेरे फोन पे ना 1% बैटरी है। लगभग हम ना एक साल बाद इतने दोस्त इकट्ठा हुए, वो भी सगाई में, और आज काफी मजा भी आया क्योंकि बहुत दिनों के बाद अगर जब दोस्त और मिलते हैं तो वो काफी अच्छा भी लगता है। और नाच नाच के, मतलब नाचे भी क्या, खाली ऐसे गोल गोल घूमे थे और गले में ना अभी दर्द भी होने बैठ गया है, चिल्ला चिल्ला के। और मैंने ना गोपेश्वर में तो बाप रे इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, उमस हो रही थी ना, मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और उसके बाद हम फटाफट से, और जिस टाइम हम सगाई में पहुँचे ना उस टाइम सगाई भी हो गई थी, और उसके बाद हमने खाना खुना खाया, फिर थोड़ी देर बैठे रहे और तब किया थोड़ा डांस वगैरह थोड़ा किया, और अभी आते आते इतना भीगी चुके हैं। तो फिलहाल अभी घर पे चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे घर पे पहुंच के। बाकी मौसम देखो ऐसे हो रखे है जो कि काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। तो अभी चलते हैं घर पे, तो मिलते हैं आपको सीधे घर पहुंच के, तब तक बाय बाय। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर साई घास देने के लिए। बाकी मेरे साथ हमेशा की तरह गुन्नू भी आ रखा है। बाकी अभी मौसम ना थोड़ा सही हो रखा है, ऊपर आते आते काफ़ी उमस भी हो रही थी लेकिन थोड़ा सही था, मतलब बारिश नहीं आई। और यहाँ पे देखो गुन्नू भी मस्त से इस घास में सो रखा है, मतलब हरी घास थोड़ा गीली भी हो रखी है ना, उसी में पड़ा हुआ है। तो आज का दिन ना काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी मज़ा भी आया इतने दिनों के बाद, मतलब हम स्कूल के दोस्त एक साथ मिले तो काफ़ी अच्छा भी लगा। और उस गांव में ना मैंने एक बात नोटिस करी है, जब भी उनके गांव में शादी शुदी होती है तो वो घर से थाली लेके जाते हैं खाना खाने के लिए। बाकी हमारे गांव में तो ऐसे नहीं होते, हमारे गांव में तो पत्तन मिलते हैं तो घर से नहीं लेके जाते, लेकिन उनके गांव में वो घर ही से थाली लेके जाते हैं खाना खाने के लिए। और चौक तो आपने देखा ही होगा जिसको खोवा बोलते हैं, काफ़ी बड़ा भी है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी लगा वहाँ जाके। मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं गई थी जब मैं 8वीं या 9वीं में थी, उस टाइम गई थी, लेकिन उसके बाद मैं आज ही गई उनके गांव में, तो मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा। और अभी मौसम काफ़ी मस्त हो रखे है, सामने से देखो कि मस्त बादल लगे हुए हैं। अरे गन्नू, तो अभी मैं आ गई हूँ इधर वाली साइड पे, मतलब जहाँ से यहाँ का दरवाज़ा है, और फटाफट से इनको घास दे देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ घर। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे को कमेंट करके पक्का बताना। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मेरे को बोला गया है कि लास्ट में बोला करें तो मैंने बोल दिया है। बाकी मेरे को कमेंट करके पक्का बताएं, और मिलते हैं आपको सीधे अपने कल के नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।